टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए आज कालचीनी थाना के अंतर्गत रवि भानु बिरसा भवन कालचीनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SSB के DY कमांडेंट दिलीप कुमार सरकार, साथ ही ट्राई कोलकाता कार्यालय से ज्वाइंट एडवाइजर नीले दत्ता, रिसर्च ऑफिसर अभिजीत चटर्जी आदि उपस्थित थे। इस अवसर में UCC पर ट्राई के नए नियमों और निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें विभिन्न दूरसंचार धोखाधड़ी जैसे टावर लगाने के नाम पर किए जाने वाले धोखाधड़ी, लोगों को आने वाले धोखाधड़ी वाले संदेश, कॉल आदि के बारे में अतिरिक्त सावधानी कैसे बरतनी चाहिए इस बारे में जानकारी दी गई। बताया गया है कि ट्राई का महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है और उपभोक्ता पर जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ट्राई उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण पर कार्यशालाएं और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के मुद्दों पर सेमिनार आदि आयोजित करती है। इस अवसर में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और नागरिकों के लाभ के लिए अन्य सरकारी पहलों जैसे 4G संतृप्ति परियोजना, भारत नेट परियोजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिभागियों को मूल्य वर्धित सेवाएं, अनचाहे वाणिज्यिक संचार, मोबाइल नंबर से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता केंद्रित नियमों, निर्देशों और आदेशों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। ये हम लोग का अलीपुर द्वार जिला में पहली बार ट्राई का प्रोग्राम हो रहा है। इसका मुझसे ही जोगाजोग करा के ये जो कलकत्ता रीजनल वाला लोग आए हैं, तो हमको लगता है जिस तरह का अभी मोबाइल के माध्यम से जिस तरह का प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है उसका अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। और जहां तक बहुत सारे ऐसे जगह है जहां टावर की कमी है, लेकिन टावर की कमी जहां है जिस तरह चाबगान के क्षेत्र में जो होता है कि बहुत सारा जगह जमीन का ऊपर प्रॉब्लम होता है, तो इन सब चीजों को लेकर ही आज यहां एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। तो आगामी दिन में भी हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम और से जगह अलीपुरद्वार जिला में चाबगान को लेकर करें तो और भी बेहतर होगा। इस तरह का उद्देश्य लेके ही आज का प्रोग्राम हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज किए थे। मेरा नाम विनय करकट्टा। आपका संस्था का नाम? मेरा संस्था का नाम युवा सहयोगी सेवा संस्था है, लेकिन हमारा संस्था के माध्यम से ही ये ट्राई अपना आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। নিলয় দত্ত যেটা বললেন আর কি, TRI এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রতিনিয়তই করে থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেরকম প্রান্তিক মানুষদের জন্য মানে টার্গেট করে ওই ধরনের প্রোগ্রাম করা হয়। উনি যা বললেন TRI এর ইনিশিয়েটিভস, তার সাথে যে এখানকার সার্ভিস প্রোভাইডার তাদেরকেও ডাকা হয় যাতে তারা ফেস টু ফেস ইন্টারাক্ট করতে পারে এবং টেলিকম অ্যাজ এ হোল মানে সার্ভিসটা কত ইম্পর্টেন্ট এবং এসেনশিয়াল সেটা সম্বন্ধে জানতে পারে। তার সাথে আমরা এইবার BSNL যে হচ্ছে 4G স্যাচুরেশন নামে একটা ভারত সরকারের প্রজেক্ট আছে যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণাকে 4G সার্ভিসের অন্তর্গত একটা আওতায় নিয়ে আসা। এখনো পর্যন্ত অনেক জায়গাতে 2G সার্ভিস আছে এবং আপনারা হয়তো সবাই জানেন 2G সার্ভিস বেসিক মানে কথা বলার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু আজকাল শুধু কথা বলে তো সব ধরনের সার্ভিস পাওয়া যায় না। ডেটা কানেক্টিভিটি এবং শুধু ডেটা নয় ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি মানে হাই স্পিড ডেটা কানেক্টিভিটি খুব জরুরি। এই জন্য ভারত সরকারের একটা ইউনিভার্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন ফান্ড এর দ্বারা পরিচালিত একটা প্রজেক্ট আছে যেটাকে 4G স্যাচুরেশন প্রজেক্ট বলা হয়েছে। সেগুলোতে যেগুলো আনকভার্ড মানে এখনো পর্যন্ত কানেক্টেড নয়, বিশেষত যেখানে জনসংখ্যা খুবই কম মানে কমার্শিয়ালি খুব একটা ভায়াবল নয় প্রাইভেট টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার পক্ষে সার্ভিস দেওয়া, সেক্ষেত্রে ভারত সরকার নিজস্ব ফান্ডিং এর থ্রু দিয়ে এই ধরনের প্রজেক্ট করছে এবং সেটা BSNL করছে। তো BSNL এর অধিকারী যিনি এখানে অফিসার আছেন তাকেও ডাকা হয়েছে এবং তিনি এই ব্যাপারে বিস্তারিত বলছেন যাতে জনসাধারণ এখানকার যে স্থানীয় জনসাধারণ তারা জানতে পারে যে এখানে কি ধরনের সেবা মানে এই ধরনের 4G স্যাচুরেশন প্রজেক্ট কতটা এখন এগিয়েছে, এর কি প্ল্যান রয়েছে, যেমন December 2023 এর মধ্যে সব এতগুলো গ্রামের মধ্যে 4G স্যাচুরেশন প্রজেক্টের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তো TRI এখন শুধুমাত্র নিজস্ব ইনিশিয়েটিভও নয়, ভারত সরকারের অন্যান্য যেসব ইনিশিয়েটিভ আছে জনসাধারণের জন্য বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষদের জন্য সেগুলোকেও যাতে জনসাধারণের মধ্যে অবগত করানো যায় তা সেটারও একটা চেষ্টা এখানে করা হয়েছে। কলকাতা মে হ্যায়, হায়দ্রাবাদ মে হ্যায়, বেঙ্গালুরু মে হ্যায়, ভোপাল মে হ্যায়, জয়পুর মে হ্যায় আর দিল্লি মে হ্যায়।
तो हमारे जो रीजनल ऑफिस कलकत्ता है इसके अंदर में इंटायर ईस्टर्न रीजन एक्सेप्ट उड़ीसा, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है आसाम बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल अंडमान बहुत सारे है, तो हर जगह पे हम लोग सालों में 15 से 18 ऐसा प्रोग्राम करते हैं सब स्टेट मिला के। इसके अलावा हमारा एक कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप होता है, बहुत सारे एनजीओस है जिसको हम कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के नाम पे उनको एम्पैनल कराते हैं, तो इन लोगों का भी हम लोगों ने दायित्व दिया है कि ब्लॉक या पंचायत लेवल पे जहां पे मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है या मर्जिनलाइज सेक्टर है उनके पास पहुंचे इन लोग सीएजी ऑन बिहाफ ऑफ ट्राई, और वहां पे जाके भी कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम इन लोग बनाए इन लोग कंडक्ट करें, सो दैट उस एरिया का जो जो कंज्यूमर्स हैं उन लोग बेनिफिटेड रहे और उन लोग भी अवेयर हो इसके इस प्रोग्राम के हिसाब से। ट्राई के रीजनल ऑफिस कलकत्ता की तरफ से हमें इन्विटेशन आया था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें आया था और प्रोग्राम में आया, इनके एफर्ट्स बहुत एप्रिसिएबल है, जो एफर्ट्स लिया है विलेज लेवल में एकदम लोयल लेवल में पब्लिक को सजग करने के बहुत जरूरी है। मोबाइल की यूज टेलीकम्युनिकेशन के अलावा आज के दिन थोड़ी चलना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ जो इसकी टेक्निकली जो चीजें जानकारी वो पब्लिक के पास वोट के पास नहीं है, और इसमें जो इसके कुछ फ्रॉड कैसे हो रहा है उससे बचने के लिए जो तरीके हैं ये सारे चीजों का विस्तृत जानकारी दिया उन्होंने, पब्लिक भी कुछ बताया, ये काफी कारगर साबित होगा ऐसा चीजों से बचने के लिए गलत चीज इस्तेमाल इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। इतने बड़ा सेल शायद नहीं मिलेगा, टीवी लैपटॉप मोबाइल फ्रिज वॉशिंग मशीन किचन अप्लायंसेस सब पे पाइए बेस्ट डील सिर्फ रिलायंस डिजिटल के डिजिटल इंडिया सेल में। डायलिस एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, बस 3 और 6 महीने का ब्यूटिफिकेशन कोर्स करें और आत्मनिर्भर बनने का मौका पाएं। डायलिस एकेडमी कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब गारंटी भी देती है, तो अब देर किस बात की, डायलिस एकेडमी गोपी मोहन मोड़ जयगांव GP1 कार्यालय के पास जल्दी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8945008520 और 8170029496। धन्यवाद।